आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ वाइडली यूज मैथमेटिकल मॉडल टेक्निक टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज अमंग कंपीटिंग डिमांड्स। रिसोर्सेज टिपिकली इंक्लूड रॉ मटेरियल, मैन पावर, मशीन, टाइम, मनी एंड स्पेसिस। का ओरिजिन कब हुआ था? ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर बात करूं मैं, तो इन ईच फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ अ प्रिंसिपल इज फैशन टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम लिमिटेड एंड डिफाइंड रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल। क्या बोल रहा है कि अगर मैं बात करूं किसकी फील्ड ऑफ, ईच फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ की, किसी भी फील्ड की बात करूं, तो एक बहुत ही प्रिंसिपल कैसा फेमस है या फैशन है कि हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है लिमिटेड रिसोर्सेस में या अवेलेबल रिसोर्सेस में। हमारा किसी भी कंपनी का या किसी भी काम को करने का मेन मोटो हम क्या बोलते हैं, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो वही क्या होता है, क्वेश्चन होता है, तो वहां से इसकी क्या हुई है, ओरिजिनेटली हुई है। क्या बोल रहे हैं, समटाइम इट इज नेसेसरी टू यूज मैथमेटिकल टेक्निक टू ऑप्टिमम बेस्ट रिजल्ट इन इंडिविजुअल लाइफ। हमें बहुत सारे टाइम क्या होता है, प्रोडक्शन जब हम करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमें हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फिर बहुत सारे समटाइम नेसेसरी यूज फॉर मैथमेटिकल टेक्निक्स, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट या ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इन इंडस्ट्री। द मेन प्रॉब्लम बिफोर अ बिजनेसमैन और इन इंडस्ट्रियलिस्ट is to find the optimal combination of commodities and to be produced the quantity of each such item which should be turned around and the process by which these goods should be produced. So for this uses the limited resources according to need, maximum or minimum. These resources include, ko bhi resources ho sakte hain, money, material, man, kya karna hai, स्टोर कैपेसिटी एटसेट्रा। ईच ऑफ दीज रिसोर्सेज अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटी एंड द आइटम बी प्रोड्यूस हैज इट्स ओन क्वान्टिटी एंड क्वालिटी रिस्ट्रिक्टेड। हैंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस मैन इज टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट विद लीस्ट कॉस्ट। तो मेन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो क्या होता है कि मैं क्या करूँ, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा अर्न करूँ। तो एक बिजनेसमैन होगा, वो क्या अचीव करना चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट विथ लीस्ट कॉस्ट, और उसके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उन सबको यूटिलाइज करके क्या करे, वो मैक्सिमम क्या कर पाए या ऑप्टिमल क्या निकाल पाए, सोल्यूशन निकाल पाए, रिसोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर पाए। तो उसको हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। उन्हीं टेक्निक्स में से एक टेक्निक होती है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडल होता है। द टेक्निक इज वेरी पावरफुल एंड फाउंड स्पेशली यूज बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेशन टू मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ रियल बिजनेस प्रॉब्लम एरियाज लाइक फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल मार्केटिंग एंड मैनी मोर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोल रहा है, इस टेक्निक को ज्यादातर क्यों, ये यूजफुल क्यों है, पावरफुल क्यों है, क्योंकि जो ऐप जिससे डिफरेंट क्या कर सकता है, डिफरेंट टाइप की बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है, जो बिजनेस के रियल बिजनेस से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन से, एचआर से रिलेटेड हो, ह्यूमन रिसोर्सेज से, मार्केटिंग से, सभी एरिया को क्या करता है, ये कवर करता है। एज इट्स नेम इम्प्लाइज द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल कंसिस्ट ऑफ लीनियर ऑब्जेक्टिव एंड लीनियर कंस्टेंट विच मीन्स द वेरिएबल इन अ मॉडल हैव अ प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन मैन पावर रिसोर्स विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ इंक्रीज इन वर्कआउट। क्या बोल रहा है कि क्या कर, ये किसमें क्या होते हैं, जैसे उसके नाम से ही दिख रहा है, इसमें क्या होते हैं, कुछ लीनियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसका एक मॉडल होता है जिसमें रिलेशनशिप होता है किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में। अब वो मैन पावर और उनके क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन मैन पावर रिसोर्सेज विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन वर्क आउटपुट, उससे रिलेटेड होगा वो।
अब हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। मीनिंग में मुझे समझ में आ गया कि मीनिंग में क्या होता है। देखो वही सारी चीजें एसेंशियल में भी क्लियर होंगी। अगर मैं मीनिंग की बात करूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या होता है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि बेस्ट सोल्यूशन निकालना या ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना। ठीक है, इसमें दो वर्ड से मिलके बना है, लीनियर प्लस प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि हम इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब इसमें देखो लीनियर तो हमेशा एक लीनियर इक्वेशन दी रहती है, प्रोग्रामिंग मतलब उस इक्वेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर अ गिवन प्रॉब्लम सिचुएशन देयर आर सर्टेन एसेंशियल कंडीशन दैट नीड टू बी सॉल्व बाय द यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या कर सकते हैं हम, लिमिटेड रिसोर्सेस ऑफ लेबर मटेरियल इक्विपमेंट एंड फाइनेंस। ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है, मैंने अभी डिस्कस किया इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिफर्स टू एम टू ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द कॉस्ट। कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है। लीनियरिटी इंक्रीज इन लेबर इनपुट विल हैव अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट। होमोजेनिटी में क्या बता रहा है, द प्रोडक्ट वर्कर्स इफिशियंसी एंड मशीन आर एज्यूम टू बी आइडेंटिकली। डिविजिबिलिटी में क्या बता रहा है, इट इज अज्यूम दैट रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस। इन केस ऑफ फ्रैक्शंस आर नॉट पॉसिबल लाइक प्रोडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ कंप्यूटर, अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग क्या मान के चलता है वो कि प्रोग्रामिंग कॉल्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग कैन बी यूज्ड। हम मान के चलते हैं कि वो फ्रैक्शन में होता है, पर इनकेस वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इनकेस फ्रैक्शन नॉट पॉसिबल, तो लाइक प्रोडक्शन ऑफ 1/3 और अ कंप्यूटर, अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग कॉल्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग कैन बी यूज्ड। ये क्या है, इसके एसेंशियल्स है या इसकी इंपॉर्टेंस बोले तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं ये बता रहा है। फॉर्मुलेशन कैसे होता है वो हमको पढ़ना है, पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस में आपको बताती हूँ, इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, इसमें क्या क्या दिया होता है, हम वो सब डिस्कस करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पहले डिस्कस करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच being used in 5-year plans in the area of such food grain storage, transportation, multi-level planning. हम कहाँ use करते हैं important, ये military में सबसे पहले इसको use किया गया था, उसके बाद अभी हम सभी जगह use करते हैं। Indian railways have applied linear programming in number of areas. बहुत सारे area में क्या करता है वो उसको utilize करता है। इसकी importance कहाँ है, एयरलाइंस में है। इसकी इंपॉर्टेंस प्रोडक्शन मेनली अगर देखा जाए तो जहां जहां प्रोडक्शन होता है वहां वहां लीनियर प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो इंडियन रेलवे हैव अप्लाइड लीनियर प्रोग्रामिंग इन नंबर ऑफ एरियाज। लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर क्रॉप रोटेशन, मिक्स ऑफ कैश क्रॉप, फूड क्रॉप एंड फर्टिलाइजर मिक्स। हम इन सबके लिए किसका यूज करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग का। एयरलाइंस ऑल्सो यूजिंग linear programming in the section of routes and allocation of aircraft to various routes. अगर उनको क्या करना होता है, बहुत सारे routes बनाने होते हैं aircraft के, तो उसके लिए वो किसको use करते हैं, linear programming. To commercial institutes are also use linear programming for cost reduction and profit maximization. क्योंकि linear programming का main objective क्या होता है इस model का, कि वो क्या करें, cost को कम करें और profit को बढ़ाएं. The oil refineries, steel industries are using linear programming techniques for blending decision and for movement of finished product. Linear programming is also used in production management, marketing management and human resources management. The main problem of linear programming are diet problem, transportation problem, production plan problem, agriculture problem, food management problem. In sab jagah mein hum inko kya karte hain, main utilize karte hain. जैसे कि डाइट प्रॉब्लम हुआ, किसी को डाइट से रिलेटेड तो हम उसका बना के देते हैं चार्ट, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हुआ, इन सब में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती हैं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, वो मैं बताती हूँ। एक होता है डिसीजन वेरिएबल,
एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं, और लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी। जब हम क्या करेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन करेंगे, किसको इसका क्या करेंगे डायग्राम वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, किसको क्वेश्चन को, तो हमें वहां पे किन किन की जरूरत लगेगी, फॉर्मुलेशन करेंगे। तो देखो दिखा रहा है फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर फंक्शन में क्या दिखा रहा है, प्रोग्रामिंग में सबसे पहले क्या दिया रहता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहता है। जब हम फॉर्मुलेशन करेंगे तो हमें वहां बेसिकली तीन चीजें दिखाई देंगी, एक दिखाई देगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा दिखाई देगा कंस्टेंट। अब नॉन नेगेटिव कंस्टेंट भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइंग द कन्वर्ट इनटू सुटेबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर किसी भी क्वेश्चन का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा, मतलब तो मुझे पता ही नहीं कि क्या आंसर निकालना है, तो एक क्या दिया रहता है इसमें हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, रिप्रेजेंट द एम और गोल द सिस्टम ऑफ द सिस्टम, जो डिसीजन वेरिएबल भी जिसको बोलते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं डिसीजन लेते हैं, विच हैज टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द प्रॉब्लम। जनरली द ऑब्जेक्टिव इन मोस्ट ऑफ केसेस विल बी आइदर मैक्सिमाइज रिसोर्सेस और प्रॉफिट, मिनिमाइज द कॉस्ट और टाइम। जब भी हम मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अगर उसमें बर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट, इट मींस वो मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा है। अगर कॉस्ट दिया है मतलब मिनिमाइजेशन की बात कर रहा है, क्योंकि हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग टॉपिक है इसका एम ही क्या होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट समझ लेते हैं। व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन सरप्लस देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन मेकिंग डिसीजन। अगर हमारे पास क्या होता है अवेलेबल होते हैं सारे रिसोर्सेज सरप्लस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इन रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली हैव स्कार रिसोर्सेज विद इन विच द जॉब हैज टू बी परफॉर्म इन मोस्ट इफेक्टिव वे, देयरफॉर प्रॉब्लम सिचुएशंस आर विद इन कन्फर्म लिमिट इन विच द ऑप्टिमम सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम मस्ट बी फाउंड। हमको क्या करना पड़ता है, उन कंस्ट्रेंट के साथ ही चलना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा क्या दिए रहेंगे अपने को, कंस्ट्रेंट्स दिए रहेंगे, कि उन कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पे क्या करना रहता है हमको, सॉल्व करनी रहती है अपनी प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है, नेगेटिव कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर इम्पॉसिबल लाइक प्रोड्यूसिंग नेगेटिव नंबर ऑफ चेयर्स। तो क्या बोल रहा है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट इसमें नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं वो बता रहा है रीजन हमको। फिजिकली अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल वे में, माइनस में चेयर जा सकती है क्या, टेबल जा सकती है क्या, क्योंकि मैं प्रोडक्शन में इसकी बात करी, इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ नॉन नेगेटिविटी एज अ कंस्ट्रेंट। अब जनरल अगर मैं फंक्शन बनाती हूँ तो उसका मॉडल ऐसा होता है, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें क्या हो जाएगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम जेड या मिनिमम जेड, मैक्स जेड या मिन जेड को फॉर्म शॉर्ट में बोलते हैं। उसके साथ किए दिए रहेंगे हमको वेरिएबल और उनकी वैल्यू दी रहेंगी, जैसे P1, X1, P2, X2 और कुछ भी हो सकता है। कंस्टेंट क्या हो सकते हैं, उससे रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है W1, W2, W1, W2 कुछ भी दिया जाता है। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट नहीं होते, मतलब वो जीरो से हमेशा कैसे होंगे, हमेशा हमको क्या दी रहेगी, एक सिचुएशन दी रहेगी वेयर जो भी कंस्टेंट है मेरे पास वो जीरो से कैसे होंगे, बड़े होंगे। अभी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो आपको कंस्ट्रक्शन सीखना है क्वेश्चन का, उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका फॉर्मुलेशन और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर हुए सभी को कि हम फॉर्मुलेशन करते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है, कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पर है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये क्लियर है सभी को, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी मैन्युफैक्चर टू टाइप ऑफ बॉक्सेस। क्या बोल रहा है कि कंपनी दो टाइप के बॉक्सेस बनाती है, दो टाइप के कार्टून बनाती है। द बॉक्स इज अंडरगो टू मेजर प्रोसेस। अब बॉक्स बनाने में दो प्रोसेस भी लगती हैं, कटिंग और पिनिंग ऑपरेशन। द प्रॉफिट पर यूनिट आर ₹6 and ₹4 respectively। देखो अब मैंने क्या पढ़ा था कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है
या तो वो कॉस्ट में दिया रहेगा या तो प्रॉफिट में दिया रहेगा। जब प्रॉफिट की बात करेगा तो हम किसकी तरफ जाएंगे, मैक्सिमम की तरफ जाएंगे। तो मेरा प्रॉफिट फंक्शन मुझे मिल गया, क्या मिला, द प्रॉफिट पर यूनिट इज 6 and 4। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल x1 ले सकते हैं, एक x2 ले सकते हैं। तो एक बता दिया उसने, प्रॉफिट मिल गया मुझे, मैक्सिमम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बता दिया। अब क्या बोल रहा है कि जो बॉक्स कॉन्ग्रेटेड बॉक्स है वो क्या बोल रहा है, 2 minutes फॉर कटिंग एंड 3 minutes फॉर पिनिंग ऑपरेशन। अब देखो बॉक्स बनाना है दो टाइप की, इसको हम x1 और x2 टाइप के बॉक्स मान रहे हैं। x1 टाइप का बॉक्स बनाने के लिए मुझे कटिंग में 2 मिनट लगते हैं और पिनिंग में 3 मिनट लगते हैं। वैसे जो दूसरा कार्टून बॉक्स बना रहे हैं उसमें 2 मिनट कटिंग में लगते हैं और 1 मिनट पिनिंग में लगते हैं। तो ये मुझे क्या मिल गए, कंस्टेंट मिल गए सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में। और अवेलेबल टाइम कितना है दोनों को बनाने के लिए, 120 मिनट लगते हैं कटिंग, 120। द अवेलेबल टाइम इज 120 मिनट्स एंड 60 मिनट्स फॉर, मतलब 120 मिनट्स किसके लिए हो गए, कटिंग के लिए, और 60 मिनट्स किसके लिए, पिनिंग के लिए। द मैनेजर हैज टू डिटरमाइन ऑप्टिमल क्वांटिटीज टू बी मैन्युफैक्चर टू बॉक्सेस टू मैक्सिमम द प्रॉफिट। तो देखो क्या बनाया उसने, सबसे पहले जैसा मैं बोल रही थी कि हमने इसने x2 लिया, हम x1 x2 लेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या मिला मुझे, 6x1 + 4x2, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्टिव फंक्शन क्या मिले मुझे, 2x1 + 3x2। पहले वाले फंक्शन के लिए हमको क्या बोल रहा था कि कटिंग में कितना लगता है, मशीन वन कटिंग में 2 मिनट लेती है और पिनिंग में भी 2 मिनट लेती है, और मशीन टू जो थी वो कटिंग में कितना टाइम, कटिंग में कितना टाइम लेती थी, 3 लेती थी, मतलब जो दूसरे टाइप का बॉक्स बना रहे थे वो पिनिंग में सिर्फ 1 मिनट लेती थी। और कटिंग के लिए अवेलेबल टाइम कितना था, 120 मिनट्स, और पिनिंग के लिए अवेलेबल टाइम कितना था, 60 मिनट। अब ये लास्ट वाली सिचुएशन क्यों बनी, क्योंकि हमने क्या बोला था कि कभी भी नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट नहीं हो सकते। तो मैं क्या बोल रही हूँ, जो मेरे वेरिएबल निकलेंगे एक्स वन और एक्स टू वो हमेशा किससे बड़े होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए। वो हमेशा किस में होने चाहिए, फिजिबल रीजन में होने चाहिए, उसको मैं नॉन फिजिबल में नहीं जा सकती, नेगेटिव में वो नहीं जा सकती, क्योंकि कभी भी कोई क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करने है वो माइनस में नहीं जाती है। हमने क्या किया, ये कंस्ट्रक्ट किया। क्लियर हुआ कैसे कंस्ट्रक्ट किया हमने इसको, इस क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन कर रहा था, मैं मान लेती हूँ कि ये क्या है, दो बॉक्स जो है वो क्या है, ए और बी है, और जो प्रोसेस है वो एक्स वन और एक्स टू है, ठीक है। बॉक्स ए को बनाने में भी कटिंग और पिनिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा, और बॉक्स बी को बनाने में भी कटिंग और पिनिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब मैं बॉक्स ए को बनाती हूँ तो 2 मिनट कटिंग के लिए लगते हैं और 3 मिनट पिनिंग के लिए लगते हैं। तो मैंने वही किया, यहाँ पर देखो ए को बात कर रही हूँ कटिंग के लिए, और जब मैं पिनिंग की बात कर रही हूँ तो मैंने क्या बोला, 3 मिनट लगता है ए में, और बी में कितना लगता है, 1 मिनट लगता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 और 1 लिख दिया दूसरे वाले में जाके। फिर कटिंग ऑपरेशन के लिए अवेलेबल टाइम कितना था, 120 मिनट, तो हमने कटिंग के लिए 120 मिनट डाल दिया। उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अवेलेबल टाइम की बात कर रहा है वो, अवेलेबल टाइम मतलब कि इतना ही टाइम में वो क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा टाइम में वो बन जाएगा। फिर उसके लिए 60 मिनट, तो 60 मिनट ये क्वेश्चन हमने फॉर्मुलेट कर लिया। अब इसके बाद ये हमारे ऊपर है कि इस क्वेश्चन को हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है या सिंप्लेक्स से। आपके सिलेबस में सिर्फ ग्राफिकल मेथड है और फॉर्मुलेशन ऑफ LPP, मतलब उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, अगर ये एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है तो उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं और उसके बाद हम उसको ग्राफिकल में कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमको अपने सिलेबस में पढ़ना है। क्लियर हुआ। एक और टॉपिक है थ्योरी का, लिमिटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लिमिटेशन में क्या बोल रहा है, इन लीनियर प्रोग्रामिंग इट इज अज्यूम्ड दैट द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल आर लीनियर, व्हाइल इन रियलिटी सच रिलेशनशिप इज नॉट फाउंड। जो कभी कभी इसमें दिखाता है वो रियलिटी में नहीं होता। द प्रॉब्लम इन विच द वेरिएबल आर नॉट एडिटिव कैन नॉट बी सॉल्व बाय द टेक्निक।
द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी इन दिस टेक्निक नॉट एग्जैक्ट, जो बोल रहा है वो एग्जैक्ट नहीं होती है. समटाइम द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड थ्रू लीनियर प्रोग्रामिंग नॉट यूजफुल फॉर द कंपनी और फर्म. अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं इसका किसका, लीनियर प्रोग्रामिंग का, तो क्या बोल रहा है हम किस में यूज करते हैं, प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम में, शेड्यूलिंग प्रॉब्लम में इसको यूज कर सकते हैं. एलोकेशन करना है तो प्रोडक्शन की प्लानिंग करना है, प्रोडक्शन मिक्स बनाना है. आपको प्रोडक्शन मिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे. हमने जैसे पहले डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए और डाइट प्रॉब्लम के लिए हम क्या यूज करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं. हम अभी एक और क्वेश्चन का क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं. मैं आपको क्वेश्चन बोलती हूँ यहाँ से और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. आप लोगों को समझना है और मुझे बताना है, ठीक है. कॉपी पेन है आपके पास? क्या बोल रहा है, कंपनी मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ बल्ब ए एंड बी बाय यूजिंग टू मशीन M1 एंड M2. अब सबसे पहले मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक कंपनी है जो वो क्या करती है, कंपनी दो टाइप के बल्ब बनाती है ए और बी बाय यूजिंग टू मशीन. और कौन सी मशीन यूज करती है, दो मशीन यूज करती है M1 और M2. वन बल्ब टाइप ऑफ ए रिक्वायर्स, जो पहला बल्ब है उसकी बात कर रहे हैं, एक बल्ब की, ए जो है रिक्वायर्स 2 hours एट मशीन M1 एंड 1 hour ऑफ मशीन M2. एक घंटा, एक दो घंटे किस पे लेता है, मशीन. अगर बल्ब ए की बात कर रही हूं मैं, वो दो टाइप के बल्ब बनाता है ए और बी. ए को बनाने में M1 कितना टाइम लेते हैं, जो मशीन है M1 मशीन में वो 2 घंटे लगाता है और M2 मशीन में 1 घंटे लगाता है, ठीक है. वैसे ही किसकी बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है. बल्ब ऑफ टाइप बी रिक्वायर 1 hour एट मशीन M1 एंड 2 hours ऑफ मशीन M2. पहला वाला 2-1 लेता था, ये 1-2 लेता है. फिर इसमें क्या बात कर रहा है, द प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच बल्ब ऑफ टाइप ए इज 3 एंड ईच बल्ब ऑफ टाइप बी इज ₹2. प्रॉफिट मतलब मेरा कौन सा बनेगा, मैक्स जेड बनेगा. द नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर वीक ऑन मशीन M1 एंड M2 की बात करें, मतलब मैक्स जेड क्या बनेगा मेरा, 3x1 प्लस 2x2. और अवेलेबल आवर्स क्या बोल रहा है मेरे, 20 आवर्स फॉर M1 एंड 30 आवर्स फॉर M2. तो हमारा कैसे फॉर्मुलेट होगा, हमें मैक्स जेड मिल गया तो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं मैक्स जेड इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2. ये मेरा मैक्स जेड हो गया. अब सब्जेक्ट टू कंस्टेंट कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले वाले बोल रहा था M1 पे कितना टाइम लेता है, 2 घंटे, तो 2x1 प्लस M2 पे कितना टाइम लेता है, 1 घंटे, तो x2, 2x1 प्लस x2 हो जाएगा. दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, x1, क्योंकि वो मशीन 1 पे 1 घंटे लेता है और मशीन 2 पे 2, x1 प्लस 2x2. अवेलेबल आवर्स क्या हो जाएंगे, लेस देन इक्वल्स टू 20 फॉर M1 और 30 फॉर M2. और हमारा x1 x2 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू किससे रहेगा, 0 से. कुछ समझ में आया, पूजा चंद्रवती, क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर हुआ. व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कैसे फॉर्मुलेशन होता है. अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्लियर है? यस मैम.